दिस इज प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है 27 दिसंबर और आज हम फिर एक बार प्रस्तुत हैं आज के वर्कशीट के प्रैक्टिस के साथ, जो कि इस सीरीज का छठा पार्ट है। आज हम पार्ट 6 में एंटर कर चुके हैं और आज हम फिर डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में वर्कशीट ऑफ 10 मार्क्स ईच, जिसमें कि हम 4 से 5 रैंडम चैप्टर्स को कवर अप करेंगे क्वेश्चंस के साथ, उसका प्रॉपर आंसर एंड फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो ये रहा आपका वर्कशीट नंबर 6 और आज फिर हमने पुराने पैटर्न पे ही फॉलो किया है, 1 मार्क्स 3 क्वेश्चन एंड देन 3 एंड 4 मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आज किस किस चैप्टर को हम इसमें कवर अप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, ए एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 and 1/4 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन फेवर ऑफ डी। यानी नए पार्टनर डी के लिए ओल्ड पार्टनर जो एबीसी तीनों हैं, उन तीनों ने नहीं किया है सेक्रीफाइस, बस किया है ए ने और किया है बी ने, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया कैलकुलेट करिए नया रेशियो जो एबीसीडी का होगा। यानी कोई भी इसमें ऐसा सच एज कोई ट्रिक नहीं है, बस नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है न्यू रेशियो कैलकुलेशन का। तो आइए देखते हैं सीधे सीधे न्यू रेशियो क्या होगा और कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मार्किंग को समझ लीजिए। मैंने आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन के मार्किंग को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, 1 मार्क के 2 हिस्से, हाफ मार्क्स आपके सेक्रीफाइस को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए और रिमेनिंग हाफ मार्क्स है आपका न्यू रेशियो तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट करना ही नहीं होता, आपको जानना जरूरी है कि आप कितना सही है कितना गलत करते हैं। नाउ सिंस पहली एक बात मैंने आपके सामने रखी है, ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन। जैसा हमने पढ़ा क्वेश्चन में कोई ओल्ड रेशियो एबीसी का नहीं दिया था, तो एज पर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड We know that कि we have to assume it as equal, यानी जो कि इस समय होगा 1, 1 and 1, तो old ratio equal था। Now sacrifice जैसा question में लिखा था A ने किया है और B ने किया है, तो A और B का sacrifice as per the language A ने sacrifice किया था 1/3 और B ने किया था 1/4। लेकिन सिर्फ 1/3 और 1/4 उनका sacrifice नहीं है, आगे ये भी लिखा था of their respective shares, यानी कि ये जो 1/3 होगा ये उसके हिस्से का होगा। तो ए का हिस्सा था 1/3 एज पर द ओल्ड रेशियो, तो इसलिए इनटू 1/3 फिर से करना होगा, और बी का भी इक्वल के वजह से 1/3 ही था इसलिए 1/3 से यहां भी मल्टीप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्रीफाइस ए ने किया 1/9 फ्रैक्शन एंड बी ने किया है 1/12 फ्रैक्शन। तो ये हो गए ए और बी के सेक्रीफाइस। नाउ अब हम बात करते हैं न्यू। तो न्यू का एक फॉर्मूला है, जैसा आप सभी जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर्स एंड देन सेक्रीफाइस का जो फ्रैक्शन निकाला गया है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ए में और बी में, जबकि सी ने तो कोई सेक्रीफाइस किया नहीं, तो उसका बस ओल्ड शेयर ही रहेगा एज इट इज अनचेंज्ड। देखिए ए और बी में ओल्ड शेयर था 1/3, 1/3, इवन सी का भी ओल्ड शेयर आप यहां लिख सकते हैं 1/3 कंटिन्यूएशन में। और सेक्रीफाइस की बात करें तो जो हमने कैलकुलेट किया था यहां पर, तो ए का सेक्रीफाइस था 1/9 और जबकि बी का था 1/12। बस एलसीएम लगा के सॉल्व कर लीजिए तो 2/9 आ जाएगा और यहां 3/12 आ जाएगा। जबकि सी में बात करें तो उसका शेयर 1/3 था और अनचेंज्ड मैंने लिख भी दिया समझाने के लिए आपको, इसलिए क्योंकि सेक्रीफाइस सी का तो नहीं था, लेकिन हमें वो ऑर्डर तो मेंटेन करना होगा कि पहले ए फिर बी और फिर लास्ट ऑफ ऑल सी। तो अनचेंज्ड है यानी 1/3 रहेगा। डी जो कि न्यू पार्टनर है उसका शेयर नहीं दिया था, और जब भी नए पार्टनर का शेयर ना दिया हो तो यही फॉर्मूला हमेशा रहता है कि सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडेड टुगेदर टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर। तो 1/9 था एक का सेक्रीफाइस, दूसरे का 1/12, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/36। तो इस तरह से डी का भी शेयर हमारे सामने है। नाउ एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि ए के न्यू शेयर का डिनोमिनेटर 9 है, बी में डिनोमिनेटर 12, ऐसे ही अगर सी में देखें तो 3 है और डी में है 36। सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है, कॉमन वैल्यूज पर नहीं है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप सभी के डिनोमिनेटर को डायरेक्ट यहां चेंज कर दे मल्टीप्लाई करके एंड वैसे ही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और या फिर सिंपली है सभी फ्रैक्शन को जैसे मैंने दिखाया आप लिख दीजिए ऐसे और फिर सभी का एलसीएम लेकर के इक्वल कर लीजिए। तो मैंने इक्वल कर दिया है एलसीएम लेकर के, जिससे बन रहा है 8, 9, 12 and 7। तो फाइनली आंसर बन गया 8:9:12:7। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई एमसीक्यू नहीं है,
यहां पर गलत होने का मतलब आपको जीरो मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपने कुछ भी सही किया है तो कुछ मार्क्स के आप हकदार होते हैं, और मैंने इसीलिए आपको दो टुकड़ों में बांटकर दिखा दिया कि अगर आपने सेक्रीफाइस सही कैलकुलेट कर दिया है तो आपको आधा वहीं मिल जाएगा, और रिमेनिंग इस फॉर्मूले को लगाकर आपने कर लिया तो आधा यहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मार्किंग को अप्लाई करेंगे और अपने आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखिए, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए कहना चाहता हूं कि इसको डैम श्योर क्वेश्चन मानिए जो बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाई देने वाला है। मतलब मैं एक 99% की पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा थियोरेटिकली। ठीक है, ना आए तो बात दूसरी है, लेकिन मुझे डैम श्योर वाली फीलिंग है कि ये आ सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। पूछ रहे हैं कि कंपनी का वो पोर्शन ऑफ द कैपिटल क्या कहलाता है जिसको कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड कर सकती है जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है यानी जिसको यूज कंपनी करती है एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, वो है रिजर्व कैपिटल। और इसी से आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल भी उतना ही इंपॉर्टेंट और वाइटल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व कैपिटल, जिस पर आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन एज, यानी पार्ट बी का क्वेश्चन है जिसमें कि हेडिंग सब हेडिंग से पूछा जाता है कि अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि एक पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट है, ये किस हेडिंग में आता है आउट ऑफ दीज फोर। बल्कि यहां ध्यान देखिए, हेडिंग नहीं, सब हेडिंग्स हैं, तो हेडिंग्स सब हेडिंग्स को ही हमें ध्यान देना है इस समय। शेयर कैपिटल में ये नहीं आता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये नहीं आता, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स में भी ये नहीं आता। ये जिसमें आता है वो है आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही होगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से फिलहाल हमने पहले 3 क्वेश्चन में कवर किया है पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर, शेयर्स का चैप्टर, और साथ ही साथ एडमिशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट न्यू रेशियो का। चलिए अब बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो आज फिर एक बार हमने रखा है कैश फ्लो का एक क्वेश्चन 3 मार्कर्स, जो कि आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन का हिस्सा है। कारण क्योंकि आपके एक नॉर्मल कैश फ्लो के फुल क्वेश्चन में ये टॉपिक अक्सर आता है एज एडजस्टमेंट, जिसमें आप अकाउंट बनाते हैं मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो उसी पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो क्वेश्चन है कि प्रिपेयर करना आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें से यहां पर आपको क्लोजिंग डेटा है, यहां ओपनिंग डेटा दिया गया है, प्लांट मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया एक पैराग्राफ में कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट ₹80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹50,000। तो ये बहुत कॉमन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, और आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा। तो बस इस डिटेल को यूज करना है, और आपको बनाना है 2 अकाउंट, मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो आइए 3 नंबर का बाइफरकेशन समझते हैं। 2 नंबर मैंने रख दिया है आपको प्लांट मशीनरी के अकाउंट में, और 1 नंबर रख दिया है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। नाउ इसका सॉल्यूशन पहले देख लें, आप समझ लें, और देन बाइफरकेशन पे भी बात करते हैं कि 2 नंबर आप कैसे कैसे अवॉर्ड करोगे। देखिए, प्लांट मशीनरी एक असेट्स है, और किसी भी असेट्स का जब लेजर अकाउंट बनाया जाता है तो वो डेबिट साइड से ही शुरू होता है। एक बैंक अकाउंट ही इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी कभी कवर हो सकता है। अदरवाइज सभी एसेट्स का स्टार्टिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी करके यानी डेबिट साइड से ही होता है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, और बाय बैलेंस सीडी ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको लिखने के ऊपर मार्क्स मैंने अलग से कुछ नहीं अवॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब जो अलग से चीज आपको यहां पुटअप करनी है सही प्लेस पर, वो 4 चीजें हैं, जिनमें से पहला आता है बाय बैंक यानी सेल। आपने एसेट्स को बेचा था, जैसा क्वेश्चन में आपने पढ़ा और समझा, 50,000 में एसेट्स बेचा है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। नाउ बेचा गया है, डेप्रिसिएशन भी उस पर लगाया था ₹80,000 एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, तो उसको भी लिखना है क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में दिया था वो है 80,000। नाउ ये फॉर्मूला एक होता है लॉस कैलकुलेट करने का, इस फॉर्मूले का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट प्राइस, डेप्रिसिएशन और सेल प्राइस। आप इसको अप्लाई करेंगे पहले, और अगर इससे पॉजिटिव में डेटा निकलता है तो ये लॉस होता है, नेगेटिव आने पर प्रॉफिट होता है, जिसमें लॉस का प्लेस यही होता है क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट का प्लेस होता है डेबिट साइड। तो देखते हैं कि इस समय क्या आता है।
कॉस्ट प्राइस दिया गया था 1,50,000, डेप्रिसिएशन था 80,000 और सेल प्राइस था उसका 50,000, तो पॉजिटिव में 20,000 आया, यानी कि लॉस है। और लॉस मतलब क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आया है अमाउंट 20,000। तो इस तरीके से ये तीन एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस अकाउंट में फिलअप करने हैं इस समय इस डेटा के अकॉर्डिंग, और सभी में आपको हाफ मार्क्स रख देने हैं। ठीक है, अगर आपने बाय बैंक सही लिखा है तो हाफ मार्क्स, बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस सही निकाला हाफ मार्क्स, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाफ मार्क्स। नाउ ये सब तो वो चीजें हो गई जो क्वेश्चन में अवेलेबल थी या हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब इनके बाद बैलेंसिंग फिगर की बारी है। तो क्रेडिट साइड की टोटलिंग करने पर 8 लाख रुपए आ रहा है, जबकि डेबिट में 4 लाख रुपए का ही बस एक बैलेंस है और कुछ नहीं। तो बस जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको लिख देना है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर बींग परचेजेस, जिसका अमाउंट आ रहा है 4 लाख। अगर आपने ये भी सही निकाला तो इस पर भी हाफ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो एक हाफ, दो हाफ, तीन हाफ और चार हाफ, यानी कि टोटल 2 मार्क्स, यही मैंने ब्रैकेट में यहां लिख दिया बॉक्स में, सॉरी, हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट पोस्टिंग इनटू 4, यानी 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना गलत या कितना सही किया। नाउ फॉर 1 मार्क्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखिए, बाय बैलेंस बीटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, इसलिए बाय बैलेंस बीटी, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया 2 बैलेंस CD। तो ये अगेन ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया था, तो इस पर कोई एडिशनल मार्क्स आपको नहीं मिल रहे हैं। बस दो चीजें इसमें आती हैं। पहला चीज जो आता है, आपने ध्यान दिया होगा, देखिए मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, यहां आपने एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड यहां प्रोविजन लिखा था, तो ऑब्वियसली बात है प्रोविजन के अकाउंट में यही सेम अमाउंट और सेम चीज यहां ट्रांसफर हो जाएगा उस अकाउंट का नाम लिखकर जहां से ला रहे हैं आप, यानी टू प्लांट मशीनरी अकाउंट 80,000। ये ऑलवेज एक लेजर अकाउंट का रूल ही होता है कि एक लेजर का डेटा दूसरे लेजर में ट्रांसफर होता है उसके अपोजिट साइड में। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000, ये 2,10,000 पहले से ही दिया था, मिलाकर यहां हो गया है 2,90,000, और जबकि यहां क्रेडिट साइड में बैलेंस था 1,40,000, तो 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंट ईयर, और लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हाफ मार्क्स आपको मिलेगा इस चीज को यहां करेक्टली पोस्ट करने के लिए, और रिमेनिंग हाफ मिल जाएगा आपको ये चीज सही निकालने। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स यहां मिल जाते हैं और आपका 3 नंबर का असेसमेंट भी पूरा होता है। तो कैश फ्लो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक वाइटल पार्ट हमने इस क्वेश्चन की मदद से कवर अप किया है। बढ़ते हैं अकाउंटेंसी के आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से है, एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले जाता हूं आपको, जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है इस चैप्टर से, जो आता ही रहता है। देखिए क्वेश्चन को पहले मैं रीड आउट कर देता हूं। ए एंड बी पार्टनर्स थे जिनका कैपिटल था 2,40,000 एंड 3,00,000 रेस्पेक्टिवली, एज पर द टर्म्स ऑफ डीड दे वर एंटाइटल फॉर द फॉलोइंग। तो अभी तक क्वेश्चन में सिंपल सी बेसिक बातें बताई हैं कि दो पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल क्या है और उनके डीड के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, सेकेंड है सैलरी बी का 3,000 पर मंथ, और एक थोड़ा यूनिक सा मैंने चीज दिखाया आपको करके फॉर 10 मंथ्स स्पेसिफिकली लिख दिया है, क्योंकि आमतौर पर 3,000 को पर मंथ देखते ही हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर यहां लिखा ही हुआ है फॉर 10 मंथ्स तो किसी वजह से होगा, ये आपको मान लेना है और 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि कैलकुलेटेड फॉर्म में दिया है 4,000 ए के लिए और 5,000 रुपए बी के लिए, और फोर्थ पॉइंट प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इन 2:3, यानी ए और बी का रेशियो था 2 और 3। देखिए ये सारी की सारी बातें अभी तक जो हमने पढ़ी है क्या है, ये सब एज पर द टर्म्स ऑफ डीड। At the end of the year, it was found that the net profit amounted to ₹1,80,000. Now, यहां से हमको मिलता है की स्टेटमेंट, जिससे इशारा मिलेगा आपको कि क्या एरर हुआ है और कैसे आप उसको करेक्ट करेंगे। तो पता चलता है कि जो नेट प्रॉफिट था जिसका अमाउंट कितना है 1,80,000, was distributed equally without providing for any of the above adjustments. यानी पॉइंट नंबर 1 आपने नहीं फॉलो किया, सेकेंड नहीं किया, थर्ड नहीं किया, इवन फोर्थ रेशियो भी नहीं फॉलो किया, और फाइनली क्या किया, जो आपका नेट प्रॉफिट था उसी को आपने इक्वल रेशियो यानी 90,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और इसी को करेक्ट करने के लिए आपको बनाना है एक एडजस्टमेंट एंट्री 4 मार्क्स के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर का सबसे वाइटल पोर्शन है ये एडजस्टमेंट एंट्री का, और ये एग्जाम में लगभग हर बार आता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें मैंने बाइफरकेशन दिया है 3 मार्क्स का। ठीक है, इस टेबल पे मैं 3 मार्क्स रख रहा हूं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये टेबल आपको करना ही करना है, बिना इसके आप अपनी एंट्री का बेस तैयार कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसको बनाने का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का जिसमें ये सब कुछ लिखना है आपको, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 है तो 2 पार्टनर्स, 3 है तो 3 कॉलम्स,
एंड टोटल का कॉलम भी आप अपने हेल्प के लिए बना सकते हैं। ये बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, हाउएवर बनाना चाहिए आपको क्योंकि कैलकुलेशन में काफी हेल्प होता है। नाउ सबसे पहले इस टेबल में हम क्या करते हैं, जो कुछ भी एज पर द टर्म्स ऑफ डीड होना था जैसा जैसा बोला गया उसको आप पहले लिख दीजिए। जैसे कि इन्होंने लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था, सैलरी मिलना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था और प्रॉफिट को भी बांटना है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, दिए गए कैपिटल का 10% निकालेंगे तो ए का 24,000 आएगा, बी में 30,000, टोटल 54,000। सैलरी बोला गया था बी का था 3,000 पर मंथ लेकिन 10 मंथ्स के लिए, तो 30,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट करके दिया था 4,000 एंड 5,000 यानी 9,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें ये जो वैल्यूज आई हैं इस पर हम बाद में आएंगे, पहले जानेंगे कि ये 1,05,000 कहां से आया, क्योंकि ये जब आप निकाल पाओगे तभी आप इसको भी बांट सकते हैं। और इन सबसे पहले आपको एक चीज और जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहां क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम देंगे। जब भी किसी चीज को पार्टनर्स को दिया जाता है तो दैट मींस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज गोइंग टू इंक्रीज, जिसका मतलब है कि लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो कैपिटल आप करते हैं क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही सैलरी भी आप देंगे उन पार्टनर्स को तो क्रेडिट है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, इट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट रेफर्स टू कैपिटल इज गोइंग टू डिक्रीज एंड दैट इज व्हाई डेबिट करना है आपको, तो ये डेबिट हो गया। और प्रॉफिट शेयर तो ऑलवेज क्रेडिट होता ही है क्योंकि अगेन ये कैपिटल को इंक्रीज करता है। नाउ प्रॉफिट शेयर का मतलब है उस वैल्यू से जो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर पता लगाते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास टाइम नहीं है उसको बनाने का, हमको समय बचाना है। कैसे करोगे आप, देखिए सपोज दैट रफली आप मान लीजिए कि आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां आप नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, रेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन या फिर और कोई चीज हो सब यहां लिखते हैं। तो आप प्रॉफिट शेयर किसको करते हैं, यहां की वैल्यू यानी नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जोड़कर यहां के सभी अप्रोप्रिएशन को माइनस कर देते हैं। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपये था जैसा आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों मिलाकर हुआ 9,000, वो हमने ऐड कर लिया और माइनस कर लिया जो कुछ उनको दिया जा रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 और दिया जा रहा है सैलरी का 30,000। इससे डिफरेंस आपको निकलकर आ रहा है 1,05,000 रुपए। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जिसको बांटना है आपको गिवन रेशियो 2:3 में एज पर द टर्म्स ऑफ डीड, जिससे बनेगा 42,000 एंड 63,000। नाउ यहां तक सब चीजें हमने जो की हैं ये सब वो हैं जो एज पर द टर्म्स ऑफ डीड होने थे, और यहां तक कि अब हम टोटलिंग करेंगे और टोटल क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट क्योंकि इतने सब चीजों में क्रेडिट की वैल्यू ही ज्यादा होने वाली है। एक ही बस डेबिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी इस टोटलिंग में ये 4,000 ऐड नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। तो 24,000 में से पहले हम 4,000 घटा लेते हैं, बचेगा 20, उसमें प्लस कर लेंगे 42 यानी 62,000 आपका हो गया टोटल। 30,000 प्लस 30,000 यानी 60,000, माइनस 5,000 यानी 55,000 एंड प्लस 63,000 यानी 1,18,000। इस तरह से आपका टोटल अमाउंट आ चुका है। यहां तक आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आपका मेजर पोर्शन आपने कवर कर लिया है, जो लगभग मान के चलिए 90% आपने सॉल्व कर ही लिया है क्वेश्चन। अब इस टोटल में से आप क्या करोगे, लेस, क्या लेस करना है, प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी बांट चुके थे एज एन एरर, जैसा लिखा था कि एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज फाउंड दैट नेट प्रॉफिट जो कि 1,80,000 था distributed equally without providing for any of the above adjustments. यानी आपने क्या किया था, 1,80,000 के profit को equally यानी 90,000 और 90,000 में appropriate कर दिया था, बांट दिया था, बस वही हिस्सा हम क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं उनसे, माइनस करने वाले हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट। जो कोई भी चीज पार्टनर से लिया जाता है उससे कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट लिखा 90,000। नाउ फाइनली इस 62 में से इस 90 को आप डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस आएगा 28,000, बड़ी वैल्यू क्या है 90, जिसका मतलब है डेबिट। और इन दो में भी डिफरेंस निकालोगे आप तो आएगा 28,000 और बड़ी वैल्यू इस बार है 1,18,000 यानी कि क्रेडिट। तो आपका डिफरेंस आ चुका है और डेबिट क्रेडिट भी निकल चुका है, तो आपके 4 में से 3 मार्क्स का काम हो चुका है। और मैं आपको एक बार मार्क्स दिखा देता हूं, अगर आपने सही तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है और लिखा है तो हाफ मार्क्स उस पर, सैलरी सही लिखा है तो अगेन हाफ मार्क्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही लिखा है तो अगेन हाफ मार्क्स, और प्रॉफिट सही कैलकुलेट करके बांट दिया है तो भी हाफ मार्क्स। तो 2 नंबर आपको यहां तक मिल गया और रेस्ट 1 मार्क्स आपको मिल जाता है इस आखिरी के हिस्से में जिसमें प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड किया है 1 मार्क्स के लिए 90,000। तो इस तरीके से आपका 2 नंबर का बाइफर्केशन हो जाता है। आखिरी 1 नंबर के लिए है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो जैसा हमने देखा डेबिट आया था ए में,
तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000, और वैसे ही क्रेडिट निकल कर आया बी में, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 28,000। एंड ऑब्वियसली बात है कि आपको नरेशन तो लिखना ही होगा, एंड दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट पॉइंट कि मैं उसको लिख कर आपको एक्सप्लेन करूं कि नरेशन कैसे लिखते हैं। आई थिंक यू ऑल बेटर नो हाउ टू राइट नरेशन, तो उस पर मैं यहां पर कोई समय आपका बर्बाद नहीं करने वाला। तो इस तरीके से 4 नंबर का बाइफर्केशन पूरा होता है। और अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज के वर्कशीट अकाउंटेंसी में किस किस चैप्टर को कवर अप किया है। फंडामेंटल कवर किया हमने, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का। कैश फ्लो कवर किया हमने, जिसमें एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने बनाने के प्रैक्टिस किया है। पार्ट बी से हेडिंग सब हेडिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। शेयर्स के चैप्टर से एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है रिजर्व कैपिटल को लेकर के, और उसके अलावा एडमिशन के चैप्टर से न्यू रेशियो कैलकुलेशन का टॉपिक कवर किया। तो 5 क्वेश्चन में 5 चैप्टर की छोटी मोटी बातें कवर हो गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्कशीट बिजनेस स्टडीज की तरफ, और देखिए इसमें इस बार हमने क्या क्या इंक्लूड किया, किस किस चैप्टर को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अ वर्कर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट्स सीईओ ऑफ द कंपनी विद अ कंप्लेंट रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। यानी देखिए, किसी कंपनी का जो एक हायरची होता है, यानी कि टॉप लेवल है, उसके नीचे आते हैं मिडिल लेवल, उसके बाद नीचे आते हैं सुपरवाइजरी लेवल, और उसके बाद वर्कर्स, ये एक सभी मैनेजमेंट का हायरची लेवल होता है। यहां कह रहे हैं कि जो वर्कर है, मान लीजिए ये वर्कर है, इस वर्कर ने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया है सीईओ से, जो कि यहां टॉप लेवल पे बैठा होता है, इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। क्यों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया? ताकि क्योंकि वो कंप्लेंट देना चाहता है वर्किंग कंडीशन को फैक्ट्री में लेकर के। अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्लेन आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट ये एक चेन के थ्रू होता है। आप वर्कर हैं तो सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर को कॉन्टेक्ट करेंगे, देन अगर उसको जरूरत लगेगी तो वो अपने नेक्स्ट सुपीरियर यानी कि मिडिल लेवल को कॉन्टेक्ट करेंगे, और उनको भी लगेगा अगर जरूरत, तब जाकर फाइनली वो बात टॉप लेवल पर पहुंचती है। तो दिस इज द हायरार्की और चेन जिस पर आपको काम करना होता है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज बीइंग वायलेटेड हियर। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, जनरली प्रिंसिपल्स का मतलब फेवल के प्रिंसिपल से ही होता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बात होती है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल वर्ड लिखकर आ ही जाता है, और खैर ऑप्शन आपके सामने ही है। यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक समय में एक आदमी को, मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस ऑर्डर दे। डिसिप्लिन नहीं है यहां पर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है। जो अवेलेबल है यहां पर, मैंने अभी बताया था चेन के तरीके से काम होना चाहिए, वो है स्केलर चेन, है ना। तो स्केलर चेन है जिसको यहां पर यूज किया जाना चाहिए था, बट नहीं किया गया, तो दैट मीन्स वायलेट किया गया। तो ऑप्शन हो गया सी आपका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द कम्युनिकेशन बैरियर, यहां गलती से टू लिख गया है, सही कर लेंगे आप, टू नहीं होगा, द होगा। नेम द कम्युनिकेशन बैरियर इन विच अ मैसेज इज अंडरस्टूड डिफरेंटली ड्यू टू डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। देखिए, भेजने वाले की मेंटल स्टेटस हर समय एक जैसी नहीं होती, और ना ही रिसीवर की। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और खासकर सभी का अपना अपना मूड स्विंग हो सकता है, जिसको हम स्टेट ऑफ माइंड कह रहे हैं, उसके वजह से कई बार मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट लोग करते हैं, अलग बात तरीके से समझ पाते हैं। तो यही बोला है कि उस कम्युनिकेशन बैरियर का नाम बताइए, जिसका मतलब है कि मैसेज को अंडरस्टूड अलग अलग तरीके से कर लेता है कोई सेंडर या रिसीवर, अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है। तो ऑप्शंस है, जैसा आप जानते हैं 4 ही बैरियर्स के कैटेगरी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, सिमनेटिक बैरियर्स है, पर्सनल बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो जिस चीज की यहां बात हो रही है वो है इस समय साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी। अगर किसी को भूख लगती है तो वो पैसे देकर के फूड ले सकता है, और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। यानी कोई अगर खाने के बदले कोई वस्तु या पैसों को लेकर खाना दे सकता है आपको, तो आप वो दे करके उनसे खाना ले सकते हैं और अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, ये बात लिखी गई है। एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेटेड अबव इज, तो इस पैराग्राफ में जो बात बताई गई कि अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खरीद सकते हैं पैसों की मदद से, या पैसों के अलावा किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देकर, और अगर किसी के पास फूड है वो उसके बदले उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको देकर या लेकर के वो आपको खाना प्रोवाइड कर देगा, ये बात
आपके मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सा फीचर को हाईलाइट कर रहा है ये आपको बताना है। चॉइसेस आपके सामने हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड नीड्स एंड वांट्स। देखिए ऑफर वर्ड से इसमें कोई भी कनेक्शन आप ना निकाले तो बेहतर होगा। एक्सचेंज मैकेनिज्म की जो मीनिंग है वही एग्जैक्टली यहां पर लाया गया। आपने कहा कि आपको भूख लगी, आपको खाना चाहिए, आप उस खाने के लिए आपका जो वेंडर्स है आप उसको पैसे देंगे, पैसा नहीं है तो आपने कोई चीज दिया या कोई सर्विसेज दे दी, उसके बदले वो आपको क्या कर रहा है, आपको वो खाना दे रहा है। जैसे आपको भूख लगी, आप पिज्जा हट गए, आपने उसका पेमेंट किया, वो आपको पिज्जा दे देता है, तो आपकी भूख शांत हो जाती है खाने के बाद। तो यही एग्जैक्टली यहां बोला जा रहा है। तो आपने यहां एक्सचेंज मैकेनिज्म के फीचर को देखा जो उस केस में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए अब आते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ, केस बेस्ड है एक बार और फिर से। डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड असाइन द टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द बोर्ड टू ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है असाइन करते हैं टास्क टू ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लान एंड पॉलिसीज बनाई है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टर आपको कहते हैं टू ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव्स एटसेट्रा सो दैट वर्क कैन बी असाइन टू वर्कर्स एज पर द प्लान एंड सुपरवाइजर्स केप्ट अ चेक ऑन वर्कर्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड यानी डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दिया, टॉप लेवल ने जो प्लान एंड पॉलिसी बनाया वो कह रहे हैं डिपार्टमेंटल हेड्स को कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उसको इंप्लीमेंट करें, और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल हेड क्या कर रहे हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट के वेरियस सुपरवाइजर्स या सुपरिटेंडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि अपने वर्कर्स के किए जाने वाले काम को वॉच ऑन यानी वर्कर्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे या कुल मिला कहें तो कंट्रोल करेंगे। तो यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहां इन्वॉल्व कर लिया गया राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल एज वेल एज नॉन मैनेजरियल लेवल में प्लेटफॉर्म एरिया में आने वाले वर्कर्स को भी यहां शामिल किया गया है। नाउ पूछना क्या चाहते हैं, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैरा। देखिए जब आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा मेरिट्स, कौन सा फीचर, कौन सा लिमिटेशन वगैरह वगैरह बताया गया है, तो अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो आपको ऑन द स्पॉट याद हेडिंग्स आ ही जाती हैं, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो घबराइए मत। सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उसके सभी फीचर्स को एक बार लिस्ट आउट कर लीजिए जो आपने याद किया होगा, और तब आप देखेंगे इनमें से कौन सी हेडिंग है जो कि इसमें सुटेबली आपको दिख रहा है कि है। तो अब सीधे मैं इसके जवाब पे ले चलता हूं आपको और फिर बात करते हैं कि उस हिसाब से कि क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा। तो जिस फीचर को हमने ऑब्जर्व किया था वो है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए एक बार फिर से मेरी तरफ से गलती हो गई, मैंने मैनेज वर्ड लिख दिया है, मैनेजमेंट लिखना था। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये वो फीचर है जिसको कि हाईलाइट किया गया था इस केस के अंतर्गत। अगर आपने ये सही पहचाना है तो आप 1 मार्क इसके लिए अपने आप को दे सकते हैं। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था जो 2 नंबर के लिए था, देखिए वो भी देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द रिमेनिंग फीचर्स। जैसा आप सभी जानते हैं कई सारे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, तो जो फीचर आपने पहचाना उसके अलावा कोई और 2 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो एक्सप्लेनेशन रोज की तरह मैं यहां नहीं देने वाला हूं, बस आपको मैं हेडिंग्स बता देता हूं मोस्ट सुटेबल, और जो आपको ठीक लगे आपने लिखा ही होगा और लिख लेंगे आप, और उसका एक्सप्लेनेशन आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पर बुक से मिलाकर चेक कर लेंगे। तो एक्सप्लेन करिए कोई 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, और उस ग्रुप एक्टिविटी के अलावा जो बाकी के फीचर्स हैं आपके सामने रख दे रहा हूं आप देख लीजिए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसको मैं शॉर्टकट में 3D कहकर बच्चों को सिखाता हूं। 3D मतलब 3 डायमेंशन आ जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट डी इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कंबाइनली ऑल दीज आर नोन एज मल्टी डायमेंशनल। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। सबको ये फीचर्स अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि शुरुआत हम 12th के बिजनेस स्टडीज की यहीं से करते हैं। नाउ इसके बाइफरकेशन हमेशा की तरह हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, और 2 ही बोला गया था तो into 2 करेंगे तो आपको 2 नंबर यहां मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक केस बेस्ड जैसा ही क्वेश्चन है।
अ कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 10 लाख। तो हमारे पूरे सिलेबस ऑफ 12th क्लास में अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या फिर इंटरेस्ट ऑन डेट्स, इन सब की बात अगर लेके की जाती है तो वो एक ही चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए क्या लिया है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT 10 लाख रुपए दिया है। इट पेज 10% इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट यानी कि जो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स है उस पर आप 10% का इंटरेस्ट पे करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का था 50 लाख यानी इक्विटी प्लस डेट्स मिलाकर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। पहला सवाल है आपसे, एडवाइज कंपनी वेदर इट शुड इंक्लूड डेट और इक्विटी टू रेज इट्स कैपिटल। अगर कंपनी को फर्दर कैपिटल रेज करना है तो आप एडवाइस कीजिए कि इस सिचुएशन को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि कंपनी उसके लिए डेट को फॉलो करे या फिर इक्विटी को। तो खैर इसका जवाब हम डायरेक्ट नहीं देंगे, एक तरीके से समझेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है कि नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया है कि ये कॉन्सेप्ट आपका है फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से, तो जवाब ऑलरेडी आपको बी का मिल चुका है। विल द कंपनीज डिसीजन टू रेज फंड्स फ्रॉम डेट और इक्विटी विल चेंज इफ कंपनीज EBIT बिकम्स रुपीज 4 लाख। कह रहे हैं क्या कंपनी का जो EBIT है 10 लाख से अगर चेंज होकर 4 लाख हो जाता है तो कंपनी का डिसीजन बदलेगा कि वो डेट के जगह इक्विटी या इक्विटी की जगह डेट्स पे चले जाए। तो इन सभी सवाल का जवाब आपको देना है 4 मार्क्स के लिए। तो आइए अब पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि कंपनी को एडवाइस करिए कि कंपनी क्या करे, कंपनी को अगर रेज करना है कैपिटल डेट से रेज करे कि इक्विटी से। चलिए देखते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि उस सवाल का जवाब तुरंत तो नहीं आ सकता, उसके लिए कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है वो। सबसे पहले इस केस में जो हमें दिया गया है वो ROI है, मिसिंग है, मतलब हमारे पास डेटा है बस हमको पता लगाना है। EBIT यानी आपका नेट प्रॉफिट जो हुआ था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द कैपिटल इंक्लूडिंग डेट कंपोनेंट इन 200। इससे आपको ROI यानी परसेंटेज मिल जाएगा। ऑलरेडी इसको आप अप्लाई करते हैं किसमें, अकाउंटेंसी के पार्ट बी के रेशियो के चैप्टर से, वहां भी इस फॉर्मूले को आपने प्रैक्टिस किया ही है। 10 लाख रुपीज का आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था, 50 लाख रुपीज का आपका कैपिटल था टोटल, और इंटू 100% के लिए तो आएगा 20%। यानी इस केस में कंपनी का ROI है 20% और कॉस्ट ऑफ डेट दिया था 10% इंटरेस्ट के तौर पर। नाउ कंपनी का ये जो कंडीशन है इस समय, ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यही आपको दिख रहा है क्योंकि ROI कितना है 20% और डेट है 10%। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव या फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, जिसका मतलब है ROI ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट उसके कंपैरिजन में कम है। ये इस कंपनी के दिए गए डेटा को देखकर हम एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ इसी बेस पर कंक्लूजन आएगा जो पूछा गया था। पूछा था कि कंपनी डेट कंपोनेंट को यूज करे अगर रेस करना है कैपिटल या इक्विटी को। तो जब कंपनी का ऑलरेडी ROI काफी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो कंपनी अभी भी डेट कंपोनेंट को ले सकती है बिना किसी टेंशन के। सो कंपनी शुड प्रेफर डेट कैपिटल टू रेस फंड्स, ये हम सजेशन कंपनी के लिए दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या था। नेम बताना था आपको इस कॉन्सेप्ट का, तो ऑलरेडी हमने इसका जवाब वहीं पे दे दिया था। द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड और हाइलाइटेड इन द अबव केस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज, है ना। तो ये था हमारा वो कॉन्सेप्ट जिस पर न्यूमेरिकल भी हमारे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आता है। और आखिरी क्वेश्चन था कि कंपनी के डिसीजन में क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर कंपनी का EBIT 4 लाख रुपए का हो जाता है। तो चलिए अब इसको भी डायरेक्टली जवाब तो नहीं दे सकते आप, इसके लिए भी थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कंपनी का EBIT 4 लाख होता है तो 4 लाख का मतलब फिर अब देखना पड़ेगा ROI कंपनी का कितना हो गया। तो अब ROI बनेगा 4 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 यानी सेम फॉर्मूला, और इससे जो 20% था वो चेंज होकर कितना हो गया 8%, जबकि कॉस्ट ऑफ डेट तो अनचेंज्ड है। तो इस समय आपका मैटर उल्टा हो गया, अनफेवरेबल, ROI कम हो गया है और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हो गया है। तो ऑलरेडी कंपनी के लिए सिचुएशन थोड़ा सा रिस्की बन गया है, कंपनी का जो डेट कंपोनेंट का कॉस्ट है वो ज्यादा हो चुका है और ROI कम। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो है वो कभी भी फायदे में नहीं हो सकते, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मोर रिस्की की तरफ जाएगा। तो ऐसे केस में आप सजेस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी अब डेट कंपोनेंट को रेज करे, कंपनी को अब इक्विटी ही रेज करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये रहा और यही कंक्लूजन है आपका आखिरी आंसर। कंपनीज डिसीजन टू रेज फंड्स थ्रू डेट विल एडवर्सली अफेक्ट द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स अर्निंग। अगर इस केस को देखा जाए कि 8% ROI है, डेट है 10% का कॉस्ट, तो ऐसे केस में कंपनी के लिए ये बहुत एडवर्स होगा क्योंकि वो कंपनी को भी नुकसान पहुंचाएगा और शेयर होल्डर्स को भी उनके अर्निंग पर।
because now the ROI that is 8% is less than the cost of debt that is 10%, and hence in such a situation it should not raise fund through debt. अब कंपनी डेट कंपोनेंट को रेज ना करे, जबकि क्या करना चाहिए, अब इक्विटी के लिए जाना चाहिए. तो ये था आपका कंक्लूजन कि कंपनी के डिसीजन में चेंज जरूर आएगा अगर कंपनी का जो ईबीआईटी है वो 10 लाख की जगह 4 लाख हो जाता है. नाउ अब बात करते हैं बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स. तो जो पहला पार्ट था कि कंपनी को क्या ऑप्ट करना चाहिए, उसको आपने ऐसे एनालाइज करके ढंग से बता दिया, सजेस्ट कर दिया, तो 1 मार्क्स आपको इस पे मिल जाता है. कॉन्सेप्ट का नाम आपने सही बता दिया है, दोनों में से एक, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज चाहे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो 1 मार्क यहां हो गया. और 2 मार्क्स का है आपका थर्ड रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको दो चीज दिखानी थी. एक तो ये कि कंपनी के ईबीआईटी के बदलने से कंपनी का जो कंडीशन है वो लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का, वो क्या बन गया है. अगर आपने वो सही दिखा दिया तो उस पर 1 नंबर, और कंक्लूजन में आपने अगर सजेस्ट सही से कर दिया है जो मैंने यहां बताया आपको, तो इस पर भी 1 नंबर. तो इस तरीके से आज हमने बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट में जिस चैप्टर को कवर अप किया है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही वाइटल पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज और रिटर्न ऑन इक्विटी. इसके अलावा हमने कवर अप किया है फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को. इसके अलावा हमने कवर किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के फीचर्स में से एक, देन कम्युनिकेशन के बैरियर्स के हेडिंग्स को समझने के लिए 1 पॉइंट लिया हमने, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का भी 1 प्रिंसिपल यहां पर आया था. तो इस तरीके से आज के वीडियो में ये 5 चैप्टर्स कवर अप किए हैं, एंड होप सो रोज की तरह आपको काफी हेल्प मिला हो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.